Today we unveil the Canon IR2224N mono photocopier machine, your ultimate partner for unmatched productivity. मतलब आज हम Canon IR2224N monochrome photocopier machine का installation और demo करने वाले हैं. Welcome to our high-tech e-shop YouTube video channel. Myself Sachin, High-Tech Enterprises, Mumbai. We are authorized partner for Canon photocopier machine since 2010. तो अभी बात करेंगे हम Canon IR2224N ये multifunction A3 size photocopier machine. ये monochrome रहेगा, मतलब black and white. इसका unboxing करने का एकदम easy method आज आपके सामने मैं दिखाऊंगा, आपके सामने मैं शो करूंगा. तो ये पहले बॉक्स पैक मशीन, ये फॉरेन से आती है, मतलब मे बी मेड इन ताइवान रहेगी या मेड इन चाइना भी हो सकती है, वहीं से ये मशीन आती है. ये फुल्ली बॉक्स पैक मशीन ऐसे इस तरह से रहती है. इसका पैकिंग बहुत ही अच्छा होता है. इस पैकिंग में से आपको ईजिली मशीन को बाहर पहले निकलना है. तो बाहर निकलते समय इसके ऊपर जितने भी टेप है, जो ऑरेंज कलर की टेप, ये आपको सारी ऑरेंज कलर की टेप निकालनी है. मशीन के अंदर आपने देखा रहेगा तो कांच के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब पैटर्न नहीं है इसके ऊपर. तो देख सकते हैं आगे ये जो है, जिस बॉक्स में से हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल, इसको बोलते हैं डुप्लेक्स यूनिट. डुप्लेक्स यूनिट मतलब क्या है? ये डुप्लेक्स यूनिट जब भी पीसी से प्रिंट करते हैं तो फ्रंट बैक प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है. मतलब कि आपने पीसी से प्रिंट दिया, डुप्लेक्स सिलेक्ट कर दिया, तो आगे पीछे प्रिंट करने के लिए ये यूनिट यूज़ होता है. ये यूनिट अभी हम लोग को कैसे इंस्टॉल करना है इसका थोड़ा हम लोग जानकारी देते. तो ये साइड का कवर अपने हमको ओपन करना है और एक बैक साइड का कवर ओपन करना है. उसके बाद इस साइड पे जितने भी सेलो टेप्स सामने भी लगे हुए हैं, ये सारे चीज़ आपको पहले निकलना है. उसके बाद इस जगह पे और भी अंदर के साइड पे टेप है, वो भी सेलो टेप आपको निकालनी है. उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला, मशीन के सामने खड़े हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो कवर है ये ओपन करना है. ओपन करने के बाद इस जगह पे सारा एग्जॉस्ट फैन और चार्जर रोलर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर लगी हुई है. इसको निकालते समय ध्यान रखना है कि इसका कनेक्टर प्रॉपरली निकालना है. ये इसका हार्नेस है. ये हार्नेस क्या वर्क करता है? ये डुप्लेक्स यूनिट के अंदर जो भी चीज़ है, मतलब सोलोनाइट हो गया, मोटर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, ये ऑन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए एडिशनल हार्नेस मशीन के साथ वही बॉक्स में आती है. तो ये बॉक्स के अंदर से हार्नेस आपको एकदम प्रॉपरली कनेक्ट करना है. तो जिस टाइप से हम लोग ने दिखाया वैसी टाइप से उसको प्रॉपरली, उसका जो भी लॉकिंग सिस्टम है वो लॉकिंग सिस्टम में से ये दो स्क्रू ओपन करके ये प्लेट रहेगा, ये प्लेट के नीचे, मतलब ये प्लेट के अंदर के साइड पे उसका कनेक्टर बैठता है. तो ये कनेक्टर आपको वहाँ पर कनेक्ट करना है. उसके बाद वो दूसरी जगह पे कनेक्टर बैठता भी नहीं है, तो आप दूसरी जगह पे कोशिश करोगे तो भी वो बैठेगा नहीं. तो ये उसके बाद आपको वो प्लेट वापस लगाना है. उसके बाद यहीं पर कुछ इसके लॉक्स हैं, लॉक के बाद वापस सेट करना है लॉक. और ये जो कवर है, जो हम लोग ने लेफ्ट साइड का कवर ओपन किया था उसके ऊपर ये ब्लैक टाइप का कवर, उसके चार स्क्रू है. चार स्क्रू निकालने के बाद इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन है, तो एग्जॉस्ट फैन का कवर भी आपको निकालना है. ये एग्जॉस्ट फैन का कवर दोबारा आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वापस जो अपना जो डुप्लेक्स यूनिट था वो इंस्टॉल होने वाला है. तो डुप्लेक्स यूनिट की जगह पे ये बैठ जाएगा. तो निकल के वापस हम लोग अभी दिखाएंगे कि डुप्लेक्स यूनिट कैसे बैठता है. तो इसका कनेक्टर को हम लोग को संभालते हैं थोड़ा, कि कनेक्टर इसका बाहर होना चाहिए, उसको थोड़ा संभाल के उसके बाद ये प्रॉपरली इंस्टॉल करके उसके साथ जो स्क्रू आए हैं वो स्क्रू से
ये यूनिट प्रॉपरली हमको फिट करना है। तो ये फिट करने का प्रोसीजर एकदम सिंपल है, जैसे कि वीडियो के अंदर आपको दिखाया है। तो वीडियो के अंदर से आप इसके पोजीशन में आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। ये कभी भी कोई भी पार्ट फोटोकॉपियर मशीन में उल्टा नहीं बैठता है, तो कभी भी कोशिश ना करें कि कोई ज़बरदस्ती पार्ट ऐसा बिठाने की कोशिश ना करें, उससे आपको पेपर जैमिंग की समस्या आ सकती है। तो एकदम सिंपल वे से ये चार स्क्रू पर ये यूनिट आपका लग गया। ये यूनिट लगने के बाद ये आपका जो साइड कवर है वो साइड कवर के साथ ये रेडी हो गया। ये एक कनेक्टर है जिससे हम लोग वहाँ पर आपका कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और ये कनेक्ट होने के बाद उसका लॉक जो सिस्टम है, और लॉक सिस्टम के अंदर प्रॉपरली वो कनेक्टर लगा देंगे। बाद में ये जो कवर हम लोग ने जिस टाइप से निकाला था उसी टाइप से हम लोग को वापस फिट करना है। ये फिटिंग करना भी बहुत इजी है, ध्यान रखना है कि कोई कनेक्टर लूज ना हो जाए, प्रॉपरली आपको कनेक्टर जो है वो प्रॉपरली इंसर्ट करना है, मतलब प्रॉपरली लगाना है। ये होने के बाद प्रॉपरली आपका जो ये कवर, जो साइड का कवर वो प्रॉपरली लगाना है, और उसके साथ जो लॉक आया था ऊपर का रॉड टाइप एक छोटा सा, वो रॉड खिला बोल सकते हैं, रॉड बोल सकते हैं, तो वैसा वो प्रॉपरली होम पोजीशन में बैठना चाहिए, तभी ये इसका कवर मतलब लेफ्ट डोर ये प्रॉपरली कनेक्ट होगा और ये बंद भी होगा। अगर आप प्रॉपरली इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो या प्रॉपरली नहीं लगा रहे, तो आपका जो डोर दरवाज़ा वो बंद नहीं होगा। तो इस तरह से हमने अभी ये एक प्रोसीजर कंप्लीट किया, इसका डोर साइड पे लगा के उसके अंदर डुप्लेक्स यूनिट अंदर रखा है। ये जो है DADF मतलब डुप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। इससे क्या काम होता है कि जो आपका कॉपिंग करना है, मतलब फ़ोटो कॉपी करना है, जिसको हम लोग जेरोक्स निकालना है बोलते हैं, हार्ड कॉपी से प्रिंट करते हैं, या हार्ड कॉपी स्कैन करना है, तो ये स्कैन करने के लिए ये यूनिट यूज़ होता है। इसके अंदर आप डायरेक्टली वन साइड पेपर आप रख सकते हैं, विदाउट स्टेपल पेपर होने चाहिए, मतलब छुट्टे पेपर्स बोल सकते हैं, प्लेन पेपर बोल सकते हैं, वो प्लेन पेपर इसके ऊपर आपको रखना है, तभी इस DADF से आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं या कॉपिंग कर सकते हो। तो उसका छोटा सा प्रोसीजर है, कुछ स्पेयर पार्ट्स इसके साथ आते हैं। बैक कवर ऑलरेडी अपना ओपन ही था, तो उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, क्यों ये पार्ट लगाना चाहिए, क्योंकि इसका ये सेंसर है। सेंसर का ये किसके लिए यूज़ होता है कि जैसे ही हम लोग ने फीडर बंद कर दिया या ऊपर का कवर बंद कर दिया, उसके लिए यूज़ हो जाता है। इसके अलावा ये छोटे छोटे पार्ट्स इसके लिए दिए जाते हैं क्योंकि DADF इसको बहुत बड़ा एक अंदर हाई टेंशन वाला एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग का टेंशन ये मशीन प्लास्टिक के रॉड पर उठा नहीं सकती, इसके लिए इसके अंदर कुछ मेटल की पट्टियाँ दी है। तो जो ये मेटल का जितने भी पार्ट्स हैं जो अभी हम लोग दिखा देंगे वीडियो में, इस तरह से आपको प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। उसी तरह से इंस्टॉल करोगे तभी आपका DADF मतलब डुप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर वो इंस्टॉल होगा, बैठ जाएगा और होम पोजीशन में रहेगा। इसके साथ सारे स्क्रूज आते हैं, वो सारे स्क्रू सब यूटिलाइज होंगे, तो ये कुछ पार्ट्स उसमें से निकले हैं। जो एक्सेसरीज है वो अभी हम मशीन को टच करके उसके अंदर फिट करेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट्स रहते हैं। तो आपका ये चेक कीजिए कि ये डायरेक्शन या उल्टे डायरेक्शन में कभी भी इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको ये प्रॉपरली वही डायरेक्शन से आपको इंस्टॉल करना है। तो एकदम सिंपल मेथड है इसका भी। तो आप इसमें ऐसा इंस्टॉल करने के बाद हर जगह पे इसके स्क्रूज है, तो स्क्रू लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये स्क्रू ही इसका पूरा टेंशन उठाता है। जैसे कि इसका DADF हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे तो देख सकते कि DADF के अंदर एक स्प्रिंग रहता है, और इंजेस बोलते हैं उसको, इंजेस का एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का पूरा टेंशन ये जितने भी हम लोग अभी कवर पट्टी मेटल पट्टी जो लगा रहे, यस इसके अंदर ही वो सहन लेता है, मतलब इसके ऊपर पूरा उसका जोर आता है। ये हम लोग प्रॉपर वे से इंस्टॉल करने के बाद आगे हम लोग DADF कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको दिखा देते हैं।
उसका भी प्रोसीजर एकदम सिंपल है। पहले तो ये जितनी भी मेटल वाली पार्ट है, मेटल वाले स्क्रूज है, वो जैसी स्क्रू है वैसे ही आपको फिट करना है। जितने स्क्रू दिए हैं वो सारे स्क्रू फिट करना है। इस जगह पे ये सेंसर बैठ जाएगा, जो सेंसर मैंने पहले भी बताया था कि DADF जब बंद होता है तो मशीन को पता चले कि ये DADF बंद हुआ है, तो ये सेंसर भी उसके लिए वर्क करता है। तो सारे इसके जो जितनी भी पट्टी कवर्स ये सारे इसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी के जो ये कवर्स हैं, ये कवर्स जो अनवांटेड, जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नया कुछ पार्ट लगाया तो पुराना पार्ट उसमें से निकलता है, वो निकाल के ये कवर उसके ऊपर इंस्टॉल करना है। ध्यान रखना है कि मशीन के यहाँ पर कोई भी ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है, इट मीन्स मतलब उसके अंदर से कुछ पार्ट किधर तो आप लगाना भूल गए हैं। तो सिंपल वे से ये कवर है, कवर को सामने के साइड पे कुछ लॉक रहते हैं और इसको स्क्रू रहते हैं। इसके अलावा ये स्टिकर्स है, स्टिकर्स इसके लिए है कि ये लॉकिंग सिस्टम है, जहाँ पर जो चीज़ ओपन रहेगी वहाँ पर इसको लॉक करके बंद करना है, ताकि मशीन के अंदर कोई डस्ट ना जा सके। तो ये डस्ट नहीं जाना चाहिए, इसके लिए प्रॉपरली ध्यान से इसको फेंकना दे, प्रॉपरली जहाँ जहाँ ओपन स्पेस दिख रहा है वहाँ पर वो स्टिकर आप लगा के बंद कर सकते हो। उसके बाद जो स्क्रूज दिया हुआ है, जो आपके जो पैकेट में स्क्रूज थे, वो स्क्रू वापस आपको ये कवर को लगाना है। तो इसके अंदर बड़े दो स्क्रू है, ये बड़े दो स्क्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेन स्क्रू रहते हैं जहाँ पर अपना DADF जो अटैच होता है, मतलब उसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि DADF कैसे लगाना है। तो इसके अंदर DADF जब ओपन होता है, इसके अंदर कुछ इस टाइप से उसका जो मटेरियल है वो निकालना है, जो अनवांटेड मटेरियल जिसको पैकिंग मटेरियल बोलते हैं, पैकिंग मटेरियल निकालना है। तो ये दो स्क्रू बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो संभाल के रखना है, वो दो स्क्रू बराबर उसी जगह पे रखना है। वो थोड़ा यूनिक स्क्रू रहता है, बाद में उसके फ्रंट साइड पे भी दो यूनिक स्क्रू है जिसकी डेप्थ मतलब लेंथ सेम ही आती है। तो ये ऐसा फिटिंग करना है, फिट करने के बाद इसका एक कनेक्टर है जो DADF के साथ कनेक्ट होता है, जो DADF के अंदर उसके सेंसर्स, उसके मोटर्स और मैकेनिज्म रोटेट करने के लिए सारे मैकेनिज्म उसके अंदर रहते हैं। तो मैकेनिज्म के कुछ कनेक्टर्स रहते हैं, तो कनेक्टर प्रॉपरली लगाने का। इसके बाद इसका एक ग्राउंडिंग भी है, ग्राउंडिंग भी लगाने का स्पेस प्रॉपरली वही जगह पे, तो ये लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक साइड पे ये कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए, जो हिंजेस बोलते हैं उसके अंदर डस्ट नहीं जाना चाहिए। इसके लिए भी एक कवर है, कवर भी प्रॉपरली उस जगह पे आप लगा दीजिए। इसके बाद जितने भी बैक साइड के जो कवर है, कवर के स्क्रू एकदम प्रॉपर वे से सारे स्क्रू आप लगा दीजिए। स्क्रू लगाने से जितने भी कभी अगर आपने स्क्रू नहीं लगाया तो मोस्टली मशीन वाइब्रेट होती है। तो ये अपनी मशीन अभी हो गई रेडी। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि टोनर कार्ट्रिज कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करें। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी ब्लैक टोनर दिखता है इट मीन्स सेम टोनर रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो टोनर मशीन का है, जो मॉडल नंबर है, वही ओरिजिनल टोनर आप यूज़ कर सकते हो। वो टोनर कार्ट्रिज यूज़ करने के बाद ही आपको ओरिजिनल मतलब मशीन का 100% लाइफ मिल सकता है। तो इसका टोनर कार्ट्रिज का नंबर NPG 59 था। तो ये टोनर कार्ट्रिज आपको डालना है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच के बाद आपको ऑन करना है। मशीन ऑन करने के बाद डिस्प्ले ऑन होगा। डिस्प्ले ऑन होने के बाद पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, आपके हिसाब से जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, तो कंट्री सिलेक्ट अपना जो इंडिया है तो इंडिया वो कंट्री आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आगे की सेटिंग्स मतलब जैसे कि कंट्री सिलेक्ट होने के बाद पेपर ट्रे सेटिंग्स, पेपर साइज सेटिंग, ये सारी बहुत सारी सेटिंग्स उसके अंदर है। तो अकॉर्डिंगली जिसका जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पेपर लाइट डार्क सिस्टम, ऑटो फोटो सिस्टम, ये सारी चीज़ें मशीन के अंदर आप सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें सेट करते समय डिस्प्ले पर बहुत सारे बटन्स दिए हैं, बटन से आप कर सकते हो। इसके अंदर आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी डाल सकते हैं।
लॉग इन आई डी पासवर्ड डालने के बाद आप मशीन ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये मशीन अपना रेडी हो गया है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने रखे हैं और ये DIDF से पहले हम लोग ने स्कैन करके यहाँ पर डुप्लेक्स में प्रिंटिंग भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रॉपर वे से अभी इंस्टॉल की है, तभी तो ये प्रिंटिंग बाहर आ रहा है। तो ये तो छोटा सा इसका डेमो था दोस्तों, तो आप ये डेमो आपके इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। ऐसे ही ऑफिस इक्विपमेंट की यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी मशीन का इंस्टॉलेशन करने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। और कोई भी कॉपियर मशीन्स वर्किंग नहीं है तो उनकी स्पेयर पार्ट्स, टोनर कार्ट्रिज, ड्रम यूनिट चाहिए तो हमें कमेंट्स कीजिए, जल्दी उसका आंसर मिलेगा। जय हिंद।